आज की इस वीडियो में अखरोट के प्लांट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर तो आप लोग देख ही सकते हो प्लांट्स कितना अच्छा क्वालिटी का है। ऊपर से ये प्लांटेशन के लिए परफेक्ट है। ये 3 फीट हाइट का प्लांट्स है और 3 साल का प्लांट्स है, तो ये प्लांटेशन के लिए परफेक्ट है। स्टिक भी देख सकते हो कितना मोटा है। तो आज मैं बात करूँगा अखरोट के एक फ्रॉड एक्सपर्ट के बारे में, जो अपने आप को एक्सपर्ट बताता है। मैटर क्या हुआ कि आंध्रा से मुझे एक कस्टमर ने कॉल करके बोला, सर मुझे अखरोट के प्लांट्स लेना है आपसे, तो मुझे अखरोट के प्लांट्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सका मैं उससे जानकारी दिया। उसने बोला, सर इसके ऊपर मुझे और भी जानकारी चाहिए, तो मैं आपसे 2 दिन बाद कॉल करता हूँ। 2 दिन बाद उस बंदे ने मुझे कॉल किया, कॉल करके बोला कि सर आंध्रा से मैं एक एक्सपर्ट से मिला 2000 रुपया फीस दे के। उस एक्सपर्ट ने बोला आंध्रा में ऊद नहीं होता है, ट्री में ऊद नहीं होता है। तो क्या है, मैं बता दूँ कि पहले ऐसा होता था कि 100 साल का जो ट्री है उसमें भी ऊद नहीं होता है, लेकिन आजकल इंडिया में छोड़ो आप कहीं भी ऊद लगाओ, सिर्फ बंजर जमीन रेतीली मिट्टी जो है वो और पत्थर जो रहते हैं मिट्टी में, सब मिट्टी में छोड़ के आप कहीं पे भी लगाओ आपको ऊद हो जाएगा। वो 10 साल में भी ऊद हो जाता है निकलेशन करके। तो वो पहले होता था नेचुरली, लेकिन आजकल नेचुरली कुछ भी नहीं होता था, लोग सब केमिकल यूज़ करके ऊद उगा लेते हैं। अगर सच में आप लोगों को अखरोट का प्लांटेशन करना है तो आप मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा A to Z। इसका मार्केट का है उसका भी मैंने वीडियो बनाया, वो आई बटन पे मिल जाएगा, और इसको प्लांटेशन कैसे करना है सब A to Z बताऊंगा। आप झूठे मूठे एक्सपर्ट के फंदे में मत फंसो यार। अगर सच में इंटरेस्ट है इसमें तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस सब झूठे मूठे एक्सपर्ट्स के बातों में मत आओ। और एक बात और, कुछ कंपनी वाले भी ऐसे होते हैं जो फार्मर को फंसाते हैं ऐसे कॉन्टेक्ट करके, तो उनसे भी बचो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।